नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं आज 9 नवंबर सन 2021। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान, एग्रोजींस के अंदर होने वाली हलचल, शेयर बाजार के अंदर उतार चढ़ाव और नॉन एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर क्या संभावना बनेगी, इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको याद होगा, कल हमने गवार सीड के ऊपर तेजी की भविष्यवाणी की थी। कल NCDX के ऊपर गवार सीड और गवार गम में 6% का ऊपरी सर्किट लग गया। इसके अतिरिक्त जीरे के अंदर तेजी की बात कही थी, लाल मिर्च और काली मिर्च के अंदर भी हमने तेजी की बात कही थी, जो कि अक्षत सत्य साबित हुई। सोना चांदी और कॉपर के अंदर भी तेजी की बात कही थी, जो कि अक्षत सत्य साबित हुई। इसके अतिरिक्त शेयर बाजार के अंदर HDFC बैंक और दूसरे शेयर्स के अंदर तेजी की बात हुई, वो भी अक्षर सत्य साबित हुई। कल शेयर बाजार के अंदर सेंसेक्स निफ्टी के साथ साथ सभी रिकमेंडेड स्टॉक्स ने जबरदस्त तेजी दर्ज हुई। उम्मीद है कि आपने भरपूर इसका लाभ उठाया होगा। याद रखिएगा, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी संभवतः विश्व में एकमात्र तरीका, साधन या टूल है जो आपको अग्रिम संकेत देती है, अग्रिम अनुमान देती है, चाहे वो प्याज हो या साउथ वेस्ट मानसून हो, शेयर बाजार हो या फिर एग्रीजींस। आज सबसे पहले प्लेनेटिकल कंडीशन, क्या आज की ग्रह स्थिति है। आज चंद्रमा धनु राशि में है, गुरु एवं शनि मकर राशि में स्थित हैं, सूर्य बुध एवं मंगल यानी तीन ग्रहों का अद्भुत संयोग तुला राशि में बन रहा है। चंद्रमा एवं केतु धनु राशि में हैं और केतु वृश्चिक राशि के अंदर है। दोस्तों, आज का जो एक विशेष एपिसोड है, उसमें सबसे पहले हम शेयर बाजार की बात करेंगे, स्टॉक वॉच। आज की ग्रह संयोग भारतीय बाजारों में स्टॉक स्पेसिफिक या इंडस्ट्री स्पेसिफिक अप्रोच रखने की बात करता है। आज आप नज़र रखिए, अडानी एंटरप्राइजेज, यूनाइटेड स्प्रिट और TVS मोटर जैसे स्टॉक्स के अंदर तेजी की संभावना बन सकती है। गौरतलब है, हमने आपको अपने हमारे दिवाली विशेषांक में भी आपको अडानी एंटरप्राइजेज की बात कही थी, HDFC बैंक की बात कही थी, जो कल जबरदस्त तेजी के अंदर बंद हुए थे। समय पर मुनाफा वसूली करना हमेशा उचित रहता है, यदि आप अल्प अवधि के ट्रेडर हैं। एग्रो वॉच, आज सरसों में कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं। गौरतलब है, ऑयल सीड के ऊपर लगातार सरकारी शिकंजा कसता जा रहा है। इसमें इंपोर्ट ड्यूटी में कमी, एग्रीकल्चर सेस में कमी एवं स्टॉक लिमिट जैसे कारगर उपाय सरकार लगातार उठा रही है, जिससे खाद्य तेलों की तेजी पर लगाम लग सके। लेकिन गौरतलब है कि ये सभी प्रयास उस समय हो रहे हैं जब ऑयल सीड अपने निचले स्तर के ऊपर स्पॉट एवं इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज यानी NCDX पे ट्रेड कर रहा है। ये सभी उपाय सरकार के तब लगने ज़्यादा बेहतर होते जब ये ऑयल सीड अपनी ऊंचाइयों पर ट्रेड कर रहा था। इस समय फसल के समय लगातार नियंत्रण किसानों को रोष पैदा कर सकता है और किसान इसका विरोध भी कर सकते हैं। आज कैस्टर सीड में मजबूती में की संभावना बन सकती है, कल भी कैस्टर सीड में तेजी बनी थी। मसालों में लाल मिर्च एवं काली मिर्च में तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। गौरतलब है कि लाल मिर्च ने पिछले कुछ दिनों में लगातार मंदी दिखाई दी है। पिछले कुछ चंद सप्ताह लाल मिर्च के लिए कतई अच्छे नहीं थे, अब धीरे धीरे ये मजबूती की ओर अग्रसर हो सकती है। काली मिर्च के ऊपर और हमारा एक विशेष एपिसोड इसी हमारे चैनल पे है, उसको आप देखना ना भूलें। लाल मिर्च के ऊपर भी हमने एक बड़ा एपिसोड बनाया है, उसको भी देखना ना भूलें। गवार सीड, सरसों, सोयाबीन एवं कपास, ये ऐसी महत्वपूर्ण फसलें हैं जो वॉलेटिलिटी या उतार चढ़ाव के लिए जानी जाती है, और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी अक्सर इन फसलों के ऊपर अपना विशेष मत रखती है, जो अक्सर सत्य साबित होती हैं। याद कीजिए कॉटन के अंदर तेजी की बात, याद कीजिए गवार सीड में तेजी की बात, याद कीजिए प्याज में तेजी की बात, जो अक्सर सत्य साबित हुई। ऑयल सीड के उतार चढ़ाव को भी हमने अग्रिम आकलन एवं विश्लेषण कर आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया, जो कि सत्य साबित भी हुआ। दोस्तों, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं यदि आप विशेष रिपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं। कमोडिटी वॉच, दोस्तों आपको याद होगा, कल
सोने एवं कॉपर के अंदर जबरदस्त तेजी दर्ज हुई, जिसका अग्रिम अनुमान हमने दे दिया था। आज चांदी में मजबूती की संभावनाएं बन सकती हैं। आज का आपका नफा नुकसान या राशिफल। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि अग्नि तत्व की राशियां हैं। आज दिन मिश्रित रह सकता है, 2 से 3 बजे के बीच अतिरिक्त सावधानी रखिए। वृषभ, कन्या और मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, 12 से 1 बजे के बीच में अतिरिक्त सावधानी रखिए। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वायु तत्व की राशियां हैं, मिश्रित रुख रह सकता है, 3 से 4 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जल तत्व की राशियां हैं, बड़े नुकसान से बचने के लिए 1 से 2 बजे के बीच में अतिरिक्त सावधानी रखिए। एक काम की बात, 1980-81 में जन्म लेने वाले जातकों के लिए विशेष समय है। मजबूत ग्रह आपको तरक्की, लाभ एवं मान सम्मान दिला सकता है और पत्रिका में कमजोर ग्रह नौकरी में समस्या, कारोबार में समस्या, उद्योग धंधे एवं तालाबंदी, भागीदारों में आपस में अनबन जैसी समस्याओं को भी जन्म दे सकता है। बड़ा कर्जा, लगातार बड़े खर्चे सरमाथे आ सकते हैं। ज्योतिष मान्यताओं के आधार पर येलो सफायर यानी पुखराज रत्न धारण करना जुपिटर ग्रह के सभी अशुभ प्रभावों को कम करने में सहायक सिद्ध होता है और जुपिटर यानी देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभावों को बढ़ोतरी कर देता है। गौरतलब है कि देवगुरु बृहस्पति सही समय पर सही निर्णय एवं बुद्धिमता के लिए जाना जाता है और पुखराज रत्न बड़े कारोबारी मुनाफे के लिए अक्सर पहचाने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज यानी येलो सेफार अक्सर बड़े ट्रेडर्स, उद्योगपति एवं शेयर बाजार एवं कमोडिटी बाजार के बड़े कारोबारी धारण करते देखे गए हैं। जयपुर के विश्व प्रसिद्ध रत्न बाजार से आप भी सर्टिफाइड राशि रत्न प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए संपर्क करें। उपरोक्त सभी जानकारी फंडामेंटल एनालिसिस एवं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से दी जा रही है। कोई भी निर्णय लेने से पहले स्वयं का विवेक, अध्ययन एवं सलाहकार से भी राय कर लें और आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी अवश्य पढ़ लें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।